आप सब लोगों का स्वागत है केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कपिल जैन सर बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी हमसे पूछते हैं, कभी और को अपने चैनल पे बुलाते हैं, तो आज इस वीडियो में हम कपिल सर से क्वेश्चंस पूछेंगे। अभी रिसेंटली क्या है कि मार्केट में एक केस स्टडी चल रही है सर जी जी कि कैश पकड़ा गया है, एक जी 200 करोड़ के लगभग 194 CR करोड़ के अप्रोक्स में केस पकड़ा गया है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, कन्नौज जिले में। तो सर इसके बारे में जरा थोड़ा सा हमें बताएं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। जैसा कि मुझे पता चला था कि वहां पे डीजीआई की सबसे पहले रेड हुई थी, फिर उसके बाद उन्होंने इनकम टैक्स वालों को बुलाया, उसकी 40 से 50 कंपनियां भी हैं, 40 कंपनियां हैं शायद उनकी, वो कैश अपना कैसे सर्कुलेट करते थे, ये चीज कैसे होती है, आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को, आपके व्यूवर्स को एक बार बताएं जरा। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर सर टैक्स चोरी बहुत ज्यादा होती है, जी और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया के अंदर टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, बिल्कुल इसलिए टैक्स की चोरी होती है। बिल्कुल सर। तो जो ये पीयूष जैन जी का केस है, ठीक है ना, इस वाले केस में भी क्या हुआ है, टैक्स की चोरी के एंगल से इसे देखा जा रहा है। बिल्कुल हाँ अब यहां पर इस चीज को समझिएगा कि जो रेड शुरू हुई ये हुई जीएसटी से, जीएसटी से। और जीएसटी से भी कैसे पकड़ में आया ये चीज कि माल जा रहा था, बिल्कुल सर ठीक है, और माल की चेकिंग हुई जो हमारे जीएसटी के सेक्शन 129(30) में लिखा हुआ है कि भाई रास्ते में आपके माल की चेकिंग कर सकते हैं, वहां पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, ई वे बिल वगैरह नहीं, ई वे बिल, प्रॉपर चालान वगैरह नहीं थे चीजें, ठीक है, वहां से ये रेड शुरू हुई। अदरवाइज जीएसटी को कोई मतलब नहीं है हाँ। कि तुम अपने घर में 50 करोड़ का गैस रखो, 10 करोड़ का गैस रखो, 1 करोड़ का गैस वो रखो, तो इनकम टैक्स वो तो वालों को, दिक्कत इनकम टैक्स वालों को है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जीएसटी से ये रेड चली गई इनकम टैक्स पे। बिल्कुल अब ये लोग सर करते कैसे, इस चीज को समझना कि लेट सपोज मैंने कोई कंपनी बनाई हुई है, जी मान लो मेरी कंपनी, एग्जाम्पल ले लेते हैं मतवाला कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल अब इसमें क्या हुआ, हमारे पास बहुत पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, मैगजीन बेच रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, पेन ड्राइव बेच रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, अब पैसा आ गया हमारे पास 1 करोड़ रुपया। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि 1 करोड़ रुपया तुम पे आया, बिल्कुल तुम अपने खर्चे डालो, 50-70 लाख रुपए के जो खर्चे हैं वो मैंने डाल दिए। बिल्कुल अब जो 30 लाख रुपए जो है उस पर गवर्नमेंट कहती है 30% टैक्स दे दो, 25% टैक्स दे दो कंपनी से, 25, ठीक है ना, तो ये कंपनीज के ऊपर टैक्स रेट बहुत ज्यादा है। अब इस वाले केस में लोग बात करते क्या है कि भाई मान लो मेरा 20 लाख का प्रॉफिट है, मैं छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस छोटे को आप बड़े कर लेना, ठीक है, कि मेरे को 20 लाख का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। मैंने जय गुलिया जी से पूछा, मैंने कहा भाई जय गुलिया जी आप ये बताओ आपकी इनकम कितनी है, तो उन्होंने कहा सर मेरी तो 5 लाख रुपए की इनकम है, नया नया सीए बना उस साल का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ऐसा करो मैं अपनी कंपनी से 5 लाख रुपए की तुम्हें प्रोफेशनल फीस दे देता हूँ, ठीक है ठीक है। अब जयगुलिया जी भी खुश हो गए, मैंने कहा 5 लाख की प्रोफेशनल फीस दूंगा लेकिन वो 5 लाख मुझे कैश में वापस कर दे, कैश में दे देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो मेरी व्हाइट मनी थी, अगर मैं उस पे टैक्स दे देता तो ये मेरी व्हाइट मनी रह जाती और गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कहती। अभी पीयूष जैन जी ये कह रहे हैं कि भाई ये सारा पैसा मेरा है, ठीक है, और गवर्नमेंट अपना टैक्स ले ले 30% 40% जो भी ले ले और बाकी मुझे दे दे 60%। भैया अब ऐसा थोड़ी होगा, लेकिन अब तो शायद पेनल्टीज कुछ ऐसा होगा ना। बिल्कुल उसमें भाई ये वाला प्रोविजन तब है कि जब तुम्हारे को कोई इनकम आ रही है तुम उसे शो कर रहे हो और 30-40% टैक्स देकर 60% पैसा अपने घर पे रख रहे हो, मोटो अपने से अपनी तरफ से करो। अब अगर इनकम टैक्स वालों ने धप्पा बोली है, धप्पा, ठीक है ना, तो अब आप ये नहीं कह सकते ना 30-40% ले लो, अब तो वो अपने कानून के हिसाब से लगाएंगे। बिल्कुल उसमें 100% भी हो सकता है, 200 भी 300 भी, तो जितना तुमने पहला भी कमाया है वो सारा का सारा वो रिकवर कर सकते हैं। अच्छा। तो अब इनकी ये बात नहीं चलेगी, तो हमारे को ये समझना है कि भाई अगर हमारे को इंडिया में रहना है, काम करना है, तो टैक्स को प्रॉपरली देना है। बिल्कुल ठीक है। अब इस चीज को और समझिए सर, ये फिर ये ब्लैक पैसे का करते क्या, क्या? अब ये तो इनकी गलती हुई कि इन्होंने ब्लैक पैसा जनरेट भी करा अपने बिजनेस से, ऐसा एलिगेशन लग रहा है। अभी कुछ क्या कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का भी हो सकता है या कुछ कुछ हो सकता है, मैं उस पॉइंट पर भी आऊंगा। हाँ। लेकिन अगर इन्होंने ब्लैक पैसा जनरेट भी करा है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसे घर में नहीं रखते, घर में नहीं रखते, उसे क्या करते हैं, ब्लैक मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं प्रॉपर्टी में, कहीं कुछ। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी, ठीक है ना, कहां पर इन्वेस्ट होती है, प्रॉपर्टीज में, या वो ब्लैक मनी ऐसी जगह खर्च होती है जैसे कि मान लो इलेक्शन आ गए, शादियों में, शादी हो गई, फंक्शन हो गए, इस
इन तरह की चीजों पे खर्च होती है। तो ब्लैक मनी लोग का इसीलिए जनरेट करते हैं कि भाई इसे यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जैसा आपने बताया कि पॉलिटिकल पार्टी का लिंक भी हो सकता है, भाई जैसा कि यूपी में इलेक्शन है जी, तो भैया हमेशा एक चीज ध्यान रखो, अगर आप किसी से दोस्ती करते हो तो उस दोस्ती की कई बार एक कीमत चुकानी पड़ती है जी। भाई अगर जैसे इन पे एलिगेशन लग रहा है इनका समाजवादी पार्टी से लिंक है, तो भाई इलेक्शन में तो वाइट पैसा नहीं जाता। सही बात, इलेक्शन वाले कभी ये थोड़ी कहेंगे तुम हमें वोट देना हम तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल ले, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे। इलेक्शन में जो खर्चे हो रहे वो सारा ब्लैक में जाएगा, बिल्कुल सही। तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये किसी पार्टी का पैसा हो, उस पार्टी ने घर पे रखवा दिया हो कि भाई तू मेरा दोस्त है इतने पैसे रख ले, और जब इलेक्शन में खर्च होंगे वो, तो कई बार आपको ऐसी दोस्ती नुकसान दे जाती है। अब कीमत अदा करनी पड़ अब आपको उनकी कीमत अदा करनी पड़ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब ये तो कहेंगे नहीं भाई ये पैसा मेरा नहीं है, किसी पार्टी का, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि हाँ ये पैसा मेरा है, मेरे को पुश्तैनी सोना मिला था, मैंने वो बेचा। अरे भाई इतना सोना कहाँ बेचा, बिल्कुल सही। अगर बेचते तो पक्के में लगाते, क्यों करा आपने इतना पैसा, उन्होंने पूछा बिल्कुल कि भाई ये ब्लैक में पैसा क्यों रखा, वो कह रहे बिजनेस में जरूरत है। अरे बिजनेस में जरूरत है तो इस सोने को बेच देते, व्हाइट में बेचते, बिजनेस में पैसा आ जाता, वहां से खर्च कर लेते। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गलतियां इन्होंने करी है। तो ये सर ये तो हो गई पूरी एक स्टोरी हो गई इसकी, ये काम था। मुझे ये बताइए जैसे आप तो प्रोफेशनल है, काफी टाइम हो गया प्रैक्टिस में, 5-7 साल हो गए आपको, इससे ऊपर भी हो गए, तो अब इसको कैसे, जैसे अभी क्या है इनकम टैक्स 30% है हायर स्लैब रेट पे, अगर हम जाए 30%, बिल्कुल अगर हम इस स्लैब रेट को कम कर दें या जीरो कर दें, मान लीजिए इनकम टैक्स हम जीरो करवा देते हैं, बहुत सी लगभग 23 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में जहां पे जीरो टैक्स है इनकम टैक्स का, तो अगर हम इनकम टैक्स को कम कर देते हैं या फिर जीरो कर देते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा और ये क्या इंडिया के लिए ठीक रहेगा कि नहीं? पहली बात ये समझो कि ये 30% है क्यों जी? इसका कारण समझो कि ये 30% है क्यों। इसका अगर आप कारण ढूंढने जाओगे तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम लोग इनकम टैक्स देते हैं, बिल्कुल सही बात, ठीक है। उसका रीजन क्या है? अब आप मेरे से कहते हो कपिलियन टैक्स दो, जब मैं बाहर निकलता हूँ रोड पर मुझे टैक्स देने में गुस्सा आता है। आप अगर मुझसे कह दो कि सर 5,000 रुपए 10,000 रुपए दान करने, तो हिंदुस्तान का आदमी दान कर देगा, दान कर दे, बिल्कुल। लेकिन अगर आप उससे कह रहे हो टैक्स दे दो, उसका मूड खराब हो जाएगा, नहीं देगा। अब बताओ मूड खराब क्यों हो जाता है? अब मैं आपको बताता हूँ ये टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है जी। ये टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट लेती है हिंदुस्तान पे ही खर्च कर रही है, हॉस्पिटल्स में खर्च कर रही है, एजुकेशन में खर्च कर रही है, रोड पे खर्च कर रही है। अब मान लो मैं हॉस्पिटल गया, तो हॉस्पिटल में मैं अपनी वाइफ को दिखा रहा था 1-1.5 महीने से, जब उसकी डिलीवरी का टाइम आया वो हड़ताल पे बैठ गए। अब मेरे को तो सर्विस नहीं मिली ना हॉस्पिटल की, सही बात है, ठीक है। जब मैं रोड पर चलता हूँ तो रोड को आपको गड्ढे मिलते हैं, या मारुति की आपने गाड़ी ले ली या होंडा की गाड़ी ले ली, वो कह रहा है 120 भगाओ, तुमने जैसे ही 60 से प्लस करी तुम्हारा चलान कट गया, चलान कट गया, ठीक है। तो तुम्हारी रोड्स वैसी नहीं। अगर मैं स्कूलों की बात करूं, हालांकि स्कूल अब अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, मतलब कि मैं टैक्स दे रहा हूं, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहा हूं, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है ना, मैं सारी चीजें प्राइवेट कर रहा हूं, तो मेरे को टैक्स देने में थोड़ी तकलीफ होती है। अब इसका अंजाम समझो, ऐसा होता क्यों है? अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे भीड़ पूरी है वहां, और वो लोग मजे कर रहे हैं जो टैक्स नहीं देते, वो इनडायरेक्ट टैक्स तो देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स तो सब, तो डायरेक्ट टैक्स ये नहीं देते। तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट क्या करे कि ये जो बर्डन है, मान लो 135 करोड़ का बर्डन है, अगर तुम 5 करोड़ लोगों पे डालोगे तो वो ज्यादा ही आएगा। सही बात भाई, अगर मैं कहूँ कि किसी ट्रिप पे जाना है 10,000 रुपए का खर्चा है, एक अकेले को भरना है, तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर उस ट्रिप पे 10 लोग जा रहे हैं तो किसी से कम ले लो, किसी से ज्यादा ले लो, लेकिन ले लो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। अभी पहले क्या होता था, लोग बाग ITR भरते थे, कोई 1,000 रुपए देता था अपनी श्रद्धा से, कोई 2,000 देता था, कोई 5 देता था, कोई 7 देता था। अब इन्होंने ये कर दिया कि या तो दो 13,000 रुपए दो, 12,500 प्लस में वो दो, नहीं तो मत दो। यार ये क्या बनाया तुमने? बिल्कुल, अगर तुम ये बनाते, वो लोग रिटर्न अब भी फाइल कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न के साथ अगर तुम उनसे 1-2-5-10,000 रुपए टैक्स ले रहे थे तो इसमें दिक्कत क्या थी? इस बात पे मैं तो कहना चाहूंगा सर, हमारे बहुत से क्लाइंट कहते हैं 5,000 टैक्स दिलवा दो, 7,000 टैक्स दिलवा दो, 10,000 टैक्स दिलवा दो, बिल्कुल, चाहे उनका टैक्स नहीं भी बन रहा है, क्योंकि लोन के पर्पज से वो टैक्स देना चाहते हैं, चलो थोड़ा बहुत दे देते हैं, लेकिन जब मैं उनसे ये कहता हूँ सर वो जमाने गए, या तो आप 12,500 टैक्स दो, या फिर आप
टैक्स दो ही ना, हाँ। तो वो ये कहते हैं सर देते ही नहीं है, फिर हम 12,500 हम दे, जबकि वो दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, किसी व्यक्ति की इनकम 50,000 रुपए है, मान लो हमारे युगल जी है, इनकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ हो जाए जी। तो 6,00,000 रुपए इनकी इनकम हो गई। बिल्कुल 6,00,000 पर आज की रेट में गवर्नमेंट एक भी इनकम टैक्स नहीं लेती अगर ये डिडक्शन डाल दे अपनी। बिल्कुल सही बात, ठीक है जी, कोई भी टैक्स नहीं लेती। क्या युगल जी से अगर मैं पूछूं क्या ये टैक्स अगर इनसे मांगा जाए तो क्या ये 5,000 रुपए टैक्स नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते। 2,000 रुपए टैक्स नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इतना ज्यादा टैक्स ना लगाए। अब कई लोग क्या करते हैं, सब प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हैं जी, पार्टनरशिप में और कंपनी में बहुत लोग, बहुत कम लोग बिजनेस करते हैं, बहुत कम करते। पहला रीजन क्या है, क्योंकि एक तो कंप्लायंस बर्डन है, कंप्लायंस बहुत ज्यादा। दूसरा बर्डन क्या है कि उन पर टैक्स रेट स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। तो होना क्या चाहिए कि कंपनी को ये थोड़ा सा बेनिफिट दे दे कि शुरू के 2,00,000 रुपए तक बेसिक एग्जम्पशन, उसके बाद 5% 10%, तो सब लोग हो सकता है कंपनी बना ले, और कंपनी बनाने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए, बढ़ जाए, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में तो कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट मजबूर करती है। लेकिन सर ये कुछ टैक्स नई रिजिम लेके भी आए थे, शायद 5% 10% वाली जो लेके आए थे, कंपनी के लिए नहीं है, इंडिविजुअल के लिए है, लेकिन ज्यादातर शायद उसको भी फॉलो नहीं, उसको नहीं फॉलो। जब फायदा ही नहीं होगा तो फॉलो क्यों करेंगे? बिल्कुल सही बात, जब फायदा नहीं होगा फॉलो क्यों करेंगे? इनकम टैक्स लॉ में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है कि तुम्हें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल जाएगा 100 रुपए महीना। अरे भाई 100 रुपए महीना कब, कहाँ का ही है, कितना पुराना है। तो जब तक ये नया टैक्स कोड नहीं आएगा ना, डायरेक्ट टैक्स कोड की जो बात कर रहे हैं, तब तक ये चीजें ठीक नहीं होगी। तो ये जो पीयूष जैन जैसे व्यक्ति है जो टैक्स की चोरी करते हैं, तो पकड़े गए, पकड़े गए। अरे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो बहुत सारे, बहुत सारे लोग हैं, और इन्हें मजबूर गवर्नमेंट ही कर रही है। बिल्कुल ठीक है ना, हायर टैक्स करके, हायर टैक्स करके। तो अगर आप कम टैक्स करो, अब मेरी सिस्टर मेरे से पूछ रही, अरे पीयूष जैन को क्यों पकड़ लिया, अंबानी को क्यों नहीं पकड़ा, टाटा को क्यों नहीं पकड़ा? अरे पैसा तो इनके पास भी बहुत है। भैया अंबानी टाटा को इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि वो सारी चीजें टैक्स दे रहे, मैनेज कर रहे, और उन्हें शेल्टर भी है। ये भी समझना, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम तो आटे में नमक कर ही रहा होगा कोई ना कोई। सही बात, लेकिन उन्हें एक शेल्टर है। अब क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए भी तो पैसा ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इलेक्शन लड़ने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी खर्च करती है ना, पैसा कहां से आता है? ये कमाते हैं कोई नहीं, इन्हें तो नहीं आता, ये तो जाते हैं किसी के पास भी, अंबानी पे चले जाओ, टाटा पे चले जाओ, भाई साहब देखो हम इलेक्शन लड़ने वाले। अब मान लो मैं ही इलेक्शन लड़ने लग जाऊं, तो मैं कह दूंगा भाई मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूं, अब आप ना सीधा सीधा मेरे को कुछ चंदा दो। बिल्कुल, अब जब आपने मुझे 1-1 करोड़ रुपया दिया, 10 करोड़, तो मैंने इलेक्शन लड़ा, तो फिर आप कुछ ना कुछ तो शेल्टर चाहोगे ही। बिल्कुल, आप तो मेरे करीबी बन गए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, और अगर पैसा नहीं होगा बिल्कुल, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बिल्कुल, तभी तो ये कहा जाता है, अगर हिंदुस्तान में जो इलेक्शन, ये सरकार 5 साल है, इसके इलेक्शन 10 साल करवा दो, या इलेक्शन में जितना डिले कराओगे ठीक है ना, उतना इकोनॉमी बेटर होगी, क्योंकि बहुत सारा खर्चा हो जाता है, बहुत खर्चा। आप कभी गए हो रैली में किसी में? सर मैं अभी तक तो कोई वास्ता, अब आप देखो ये रैली होती है, 1,000 लोगों की रैली होती है, 2,000 लोगों की रैली होती है, कहां से आते हैं लोग? बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पैसा खर्च होता है। तो जो ये पीयूष जैन जी पर रेड पड़ी है, ठीक है भाई, अगर आप कैश पैसा रखोगे और टैक्स की चोरी करोगे तो आपको देना पड़ेगा। आशा करता हूँ अब आपको क्लियर हो गया होगा सर ये वाली पूरा, ठीक है। और अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और भैया इसमें ये जो व्यू था, ये जो न्यूज आ रही है उसके बेसिस पर हमने बनाया, इसमें हमारा कोई अपना पर्सनल व्यू नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।